everyone. Good morning. Good morning, all of you. This is Neeti Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Guys, 5th of August ka din hai aaj, Thursday ka din, and I'm back again with the newspaper analysis session. So, this session, as I every day say, for all my new students, I would like to say again that this session is useful for all the law entrance exams aspirants. सारी लॉ एंट्रेंस में आपको ये काम लगेगा. इसके अलावा एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम इफ यू आर गिविंग एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक एनी अदर एंट्रेंस लाइक बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी और करंट अफेयर सेक्शन आपको प्रिपेयर करना है तो भी ये सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. ठीक है, सो आप लोग को क्या करना है मेरे और सारे स्टूडेंट्स, सॉरी आप लोगों को वेट करवाया, आई नो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, जरा 5 मिनट आगे पीछे होगा. सो गाइज जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जो भी अटेंड कर रहे हो, जो भी रिकॉर्डिंग्स भी दिखोगे उनके लिए, सबके लिए एक छोटा सा काम करना है मेरा. शेयर बटन पे क्लिक कीजिए आप लोग, और जितने भी लोगों को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जिसको भी जानते हो जो क्लैट के लिए या कोई भी लॉ एंट्रेंस के लिए, कोई भी और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है और करंट अफेयर सेक्शन उनको प्रिपेयर करना है, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए अबाउट दिस क्लास. तो आप खुद तो फायदा लीजिए अबाउट दिस क्लास, फ्री वाली क्लास का, और बाकी सबसे भी शेयर कीजिए अबाउट दिस क्लास. एंड बिल्कुल भी लाइक आपको अच्छे से एवरी डे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना जरूरी है. लाइक करंट अफेयर्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे, डेली करंट अफेयर्स अपडेट करना जरूरी है. करंट अफेयर्स इज नॉट समथिंग विच यू कैन अक्यूमलेट 2-3 महीने का एंड रीड टूगेदर. It's not like that. So every day newspaper analysis attend करना बहुत जरूरी है एक proper आपके current affairs update करने के लिए. तो ये रोज अटेंड करने के लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम की क्लास चालू हो रही है करके. तो आपको बेसिकली सब्सक्राइब भी कर लेना है एंड शेयर भी कर देना है, ये छोटा सा काम कर लो एंड देन मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्लास के साथ. ऑल राइट एवरीबडी, बोलो यस मैम कर लेंगे. Okay, so Ash Damon is saying hi. Okay, hi everybody. Good morning. Good morning. Yes, Ash, you can ask me the question. Please, bataiye. Siddhi is saying this is my first class. Shilpa is also saying first day in the class. Okay, so Siddhi and Shilpa, please let me know ki aap log kaun se एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं और कौन से एस्पिरेंट है, लाइक 2022 या 2023 या 2021 में ब्लैट एमएससीटी जो बाकी है उसके एस्पिरेंट है, बताइए प्लीज. ठीक है, या जस्ट अभी अभी न्यूज आया प्रियांशु, मुझे भी पता चला, दैट्स राइट. ओके, सो सिद्धि इज अपियरिंग फॉर क्लैट 2023. ऑल राइट, वॉट अबाउट शिल्पा, यू शिल्पा आप भी बता दीजिए. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हर्ष का भी फर्स्ट क्लास है, तो हर्ष आप भी बता दीजिए कौन सा एस्पिरेंट है, अकॉर्डिंगली मैं एडवाइस करूंगी कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. ठीक है, सो ये क्लास बेसिकली जो भी फर्स्ट टाइम आज आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स आज नए हैं, उनको बता दूं सारी लॉ एंट्रेंस में काम लगेगी, और कोई भी आप यूपीएससी बैंकिंग भी दे रहे हो और करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो भी काम लगेगी क्लास. ठीक है, और आपको जितने भी लोगों को जानते हो जो ऐसी टाइप की एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर लो अबाउट द क्लास. ठीक है, और थोड़ा जानकारी अभी मेरे और अन अकेडमी के बारे में मैं देती हूँ आप लोग को, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी है, एंड देन हम न्यूज़पेपर एनालिसिस डिटेल में बहुत अच्छे से 40 मिनट्स के लिए करेंगे. ठीक है, तो गाइज थोड़ा मेरे बारे में जान लो नए स्टूडेंट्स. गाइज आई एम नीति ध्रुव, आई एम लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट and where I teach law subjects to CS and cost accountant students, and I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So yeah guys, that's me. हम लोग क्या कर रहे हैं आज, newspaper analysis कर रहे हैं. ये guys unacademy के features है. unacademy ये जो platform है आज के दिन में most wonderful platform I would say. It's not that कि मैं सिर्फ associated उससे बोल रही हूँ, मैं experience कर रही हूँ खुद कि कितना ज़्यादा wonderful platform है. trust my word, it's the best in today's date. ये सारे इसके फीचर्स है, बेस्ट वाले फीचर्स है. अगर आपने अन अकेडमी अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया तो साइन अप अन अकेडमी एज सून एज पॉसिबल यूजिंग माई कोड नीति लाइफ. आपको एक कोड पूछेंगे जस्ट एंटर करने के लिए, साइन इन करने के लिए नीति लाइफ ये कोड यूज करके आप एंटर कर सकते हो. फिर आपको क्या करना है, आप
आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है उसपे एंड बहुत सारी पेड वाली क्लासेस होती है. तो स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री वाली क्लासेस. तो अनएकेडमी ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी फ्री वाली क्लासेस हैं वो अटेंड कीजिए. अब देखिए आपको एडुकेटर्स का टीचिंग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आपको, मतलब कोई क्लासेस में आप ज्वाइन करते हो तो एक डेमो लेक्चर मिलता है, दो डेमो लेक्चर मिलता है. इधर आपको इतने सारे स्पेशल क्लासेस, फ्री वाली क्लासेस रोज होती रहती है, रोज आप अटेंड कीजिए. देखिए थोड़े दिन के बाद आपको बहुत अगर लग रहा है टीचिंग अच्छा है तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन लेने से आपको प्रॉपर ये सारे बैचेस आप ज्वाइन कर पाओगे. ये बैचेस ज्वाइन करोगे तो पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा. फ्री वाली क्लासेस में क्या रैंडम टॉपिक्स होते हैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बट ये फिर बैचेस ज्वाइन करोगे तो आपके सिलेबस कंप्लीट होगा प्रॉपर. तो क्लैट 2022 के लिए कल से ही एक बैच चालू हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए. ब्लैट वालों के लिए 30 डेज क्रैश कोर्स है जो भी स्टार्ट हो चुका है 2 अगस्त को, प्लीज ज्वाइन कीजिए. प्राइजेस देखिए, ये वाली प्राइजेस जो है काफी रीजनेबल है. 2022 एस्पिरेंट 12 मंथ्स वाला ले लीजिए, 2023 एस्पिरेंट 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. यू योरसेल्फ सी कितना रीजनेबल प्राइस है. EMI ऑप्शन भी है. ऊपर से 10% और डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज माई कोड निधि लाइव. आपको पूछेंगे कोड निधि लाइव, कोड डालो 10% डिस्काउंट ले लो. स्पेशल क्लासेस मेरी कौन सी हो रही है, तो कल मेरी ये हुई थी, आज कौन सी हो रही है, तो आज करंट अफेयर्स का क्विज करवा रही हूँ 1st to 5th जुलाई, 8:30 to 9:30 PM. ठीक है, आज के दिन शाम को 8:30 बजे, 8:30 से 9:30 करंट अफेयर्स का क्विज हो रहा है. ये करंट अफेयर्स का क्विज क्या है तो अभी मैं ये भी बताऊँ. आप लोग बोलोगे यूट्यूब पे तो हम फ्री वाली क्लासेस देख सकते हैं, ऑफकोर्स यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इसके अलावा अनएकेडमी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो मैं बताना चाहूंगी. स्पेशल क्लासेस आप अगर अनएकेडमी पे ज्वाइन करते हो ना तो आपको पोल का ऑप्शन होता है जिसमें हम क्विज लेते हैं. तो पोल मतलब 4 ऑप्शन दे के आपको KBC टाइप फीलिंग आएगा और वो 4 ऑप्शन से आप आंसर कर पाओगे. फिर आपको रेज योर हैंड का भी ऑप्शन होता है, रेज योर हैंड वाला आप क्लिक कीजिए, मैं अप्रूव करूंगी तो फिर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकोगे. हर एक एडुकेटर में ये ऑप्शन रहेगा, हर एक एडुकेटर की क्लास में, तो आप हमसे बात कर पाओगे लाइव ऑडियो के थ्रू. तो ये सारे ऑप्शन है, इसलिए स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री वाली क्लास है. तो अगर ज्वाइन ही नहीं किया अनअकैडमी अभी तक तो साइन अप कीजिए यूजिंग निधि लाइव कोड, स्पेशल मेरा नाम सर्च कीजिए, स्पेशल क्लासेस में मेरी आइए. इसमें मैं करंट अफेयर्स का क्विज करा रही हूँ वीक में 4 दिन, ओके ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन. करंट अफेयर्स का क्विज में मैं क्या करवाती हूँ ये भी इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए सारे न्यू स्टूडेंट्स एंड मेरे रेगुलर स्टूडेंट आप भी सुन लीजिए. करंट अफेयर्स की क्विज में क्या करते हैं, एवरी क्लास में एवरी डे 5-5 दिन के करंट अफेयर्स का क्विज करवाती हूँ. लाइक 30-35 क्वेश्चन लेके आ जाती हूँ 5-5 दिन के, तो आपके थोड़े थोड़े दिन के ओके याद रह जाता है. एंड क्विज इसलिए है कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत इजीली याद हो जाती है चीज़ है, तो दैट इज वाई वी आर डूइंग क्विज. तो नहीं भी अगर आंसर आता है तो ठीक है, आप लोग बाद में याद रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इजीली याद हो जाएगा. तो एवरी डे मैं 5-5 दिन के करती हूँ. 2022 एस्पिरेंट को मई 2021 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, बराबर. मैंने मई के करवा दिए है 5-5 दिन करके, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जून के भी कल ही खत्म हुए हैं. आज से हम जुलाई का स्टार्ट कर रहे हैं, 1st to 5th जुलाई के करंट अफेयर्स का क्विज करेंगे. सिर्फ 5 दिन का जितने करंट अफेयर्स है वो सब जमा करके मैंने उसका क्विज प्लान किया है. 8:30 से 9:30 आ जाइए स्पेशल क्लास में मेरी अनअकैडमी पे एंड साइन अप कर लीजिए यूजिंग कोड निधि लाइव. ठीक है, लाइव क्विज का फीचर है, इसको भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन यूज कीजिए. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देते रहोगे तो और बेटर होगा. ये सारी टेस्ट भी है, जैसे वीकली T20 टेस्ट ओपन फॉर एवरीवन, फ्री है सबके लिए. एवरी डे अलग अलग सब्जेक्ट की होती है. आज थर्सडे है तो लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ये वाला तो हो चुका है. एंड अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल पे आप जब जहाँ मुझे देख रहे हो रोज वंडरफुल सेशंस के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, सो दैट यू डोंट मिस. लास्ट में सेशन देखने के बाद कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए. ठीक है, ये सारी बात तो हो गई भैया हमारी अनअकैडमी की और मेरे बारे में. अभी हम आपके इंटरेस्ट वाला काम चालू करते हैं. ऑफकोर्स अनअकैडमी के बारे में भी जानकारी काफी लोगों को नहीं है तो वो बताना जरूरी था, तो उससे भी उनको फायदा ही होगा. बट अभी हम न्यूज़पेपर एनालिसिस फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं. 5th of August थर्सडे का दिन है एंड आज न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं. और मैं देख रही हूँ बहुत सारी कमेंट्स आ गई है, तो एक मिनट का सिर्फ कमेंट्स को देख लेती हूँ, आंसर कर देती हूँ. ठीक है, ऑलराइट. सो सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हाव यू बोल रहे हैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ,
गुड मॉर्निंग टू वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी. यस प्रियांशु, इंडियन हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक. इट्स ऑल 2020 बेटा, 2021. ओके, सिद्धि इज गिविंग 23 एग्जाम, शिवम सिंह 22, शिल्पाई सिंह 2022, परफेक्ट. प्रियांशु इज ऑल्सो 2022 एस्पिरेंट, अनन्या इज ऑल्सो 2022 एस्पिरेंट, एंड अनन्या श्री का भी फर्स्ट क्लास है. तो फर्स्ट क्लास वालों के लिए मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी. और 2022 एस्पिरेंट्स, आप लोगों को तो ये क्लास रोज अटेंड करनी जरूरी है. इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स रोज अपडेट करना हमें जरूरी होता है, राइट? तो एवरी डे आपका करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस से बेस्ट वे में होगा. इसके लिए आपको रोज से 40-45 मिनट्स निकालना है, एंड आपका ऑलमोस्ट 70% जितना जीके प्रिपरेशन हो जाता है आप रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है. एंड 2022 एस्पिरेंट मई 2021 से लेके जो मई 2022 ये 12 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करना है. तो खैर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, पर अच्छा अभी से ज्वाइन कर लिया, तो मई जून जुलाई की चाहिए हो सके तो रिकॉर्डिंग्स देख लो. यूट्यूब पे सारी पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग्स हमारी, उसकी अलग ही ये भी बनाई हुई है मैंने प्लेलिस्ट, तो उसमें भी आप देख सकते हो. 3 महीने की देख लो बैठ के, और अभी तो रोज अटेंड करो. ये टिप है सब लोग के लिए 2020 पास. हर्ष इज ऑलरेडी अ प्लस स्टूडेंट, ओके. सिद्धि इज ऑल्सो प्लस स्टूडेंट, ग्रेट. प्रेरणा सिंह मैम, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर 2022. तो मैंने 2022 के लिए अभी दिया टिप्स. ओके नियति, फॉर हाउ मच, अबाउट हाउ मच टाइम दिस न्यूज पेपर एनालिसिस टेक? ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स बेटा. नहीं लेगा मैम कोई कुछ, आप एनालिसिस करो. यू आई ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, तो इट्स ओके. 40-45. ओके सिद्धि सिंह मैम, क्लैट यूनियन में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए अन एकेडमी से? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत बढ़िया है. ये लिस्ट हम लोग बस प्रिपेयर ही कर रहे हैं, इट्स इन पाइपलाइन, लाइक काम चल रहा है उसका, हम लोग जल्दी बाहर लाएंगे. मैकी सिंह मैम, आपने कल बताया था कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या हम 12 क्लासेस के क्लासेस भी लगा सकते हैं? नहीं, क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बैचेस हैं ये कैटेगरी में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो. शिवम सेल मैम, चैंपियनशिप का मॉक टेस्ट बताओ प्लीज. चैंपियनशिप मॉक टेस्ट एवरी संडे होता है बेटा, तो वो एवरी संडे होता है. उसमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है, फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं टॉप 5 रैंकर्स को, तो वैसा है, ठीक है. विनय सिंह 22, साक्षी सिंह 23, फर्स्ट क्लास है गौरी का भी, ओके. लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने स्टार्टिंग से, अभी जो ज्वाइन हो रहा है उनको स्टार्टिंग से मैंने काफी जानकारी दी न्यू स्टूडेंट्स के लिए. तो प्लीज आप लोग थोड़ा रिकॉर्डिंग आगे देख के भी, एक बार क्लास खत्म हो जाए बाद में स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना, ठीक है. हर्ष सिंह मैम, मेरा एरिया में द हिंदू एक दिन चोर के आता है, छोड़ के आता है, तो रोज न्यूज पेपर एनालिसिस अटेंड कर लो. ई पेपर अभी तो जमाना है, डोंट रीड नॉर्मल न्यूज पेपर. इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड, बट ये एनालिसिस में द हिंदू कवर कर लो, घर पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो. नंदिनी सिंह, आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल है मैम न्यूज पेपर रीड करने में, बहुत थैंक यू सो मच नंदिनी, एंड आई एम ग्लैड आई एम एबल टू हेल्प यू एवरीबडी. श्रियांश इज सेइंग प्लीज शेयर द प्लेलिस्ट इन द टेलीग्राम चैनल प्लीज. श्योर श्रियांश, ये कर लेंगे हम. संकेत सिंह मैम, अगर सिर्फ एनालिसिस देखने से होगा या न्यूज पेपर पढ़ना पड़ेगा फॉर 2022 एम पी सी, हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर दैट? तो संकेत, ये चीज है कि न्यूज पेपर एनालिसिस लाइक मैं 40-45 मिनट्स का करती हूँ, उसमें काफी टाइम मैं बताती हूँ कि ये आपको थोड़ा घर पे भी पढ़ना है तो उतना चीज पढ़ो. तो आफ्टर आई गिव एनालिसिस नो, उसके बाद मैं ये पेपर रोज मेरी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है. ये वाली मेरी मार्किंग वाला, देखिए आप हाईलाइट वाईलाइट मैंने किया हुआ है, अभी भी मैं अंडरलाइनिंग करके पढ़ाऊंगी आपको. तो ये सारा मैं न्यूज पेपर पूरा मेरी मार्किंग वाला टेलीग्राम पे रोज आप लोग को दे देती हूँ. तो ये न्यूज़पेपर मैं तुरंत क्लास के बाद शेयर करती हूँ, आप लोग बैठिए और 15-20 मिनट एक बार अच्छे से वापस गो थ्रू भी कर लीजिए, और मैंने कुछ होमवर्क में पढ़ने को बोलना है तो वो पढ़ लीजिए, बस दैट्स इट. तो मैं 40-45 मिनट्स मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद 20-25 मिनट्स आप थोड़ा डालिए और पढ़िए, 1 आवर 15 मिनट्स इज इनफ, बस खत्म हो गया, उसके बाद आपको नहीं करना है कुछ, ठीक है. एंड अक्षत इज आस्किंग आई एम पीसीबी स्टूडेंट, हाउ विल, व्हाट डू यू मीन बाय पीसीबी बेटा? पीसीबी मतलब क्या बोल रहे हो आप? चलो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर लेती हूँ. आज 5 अगस्त को क्या है समझाती हूँ. और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको सबको, कि मैं अब काफी स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाते हैं, तो आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए. मैं रोज जितने भी न्यूज लिखने जैसे है आपको नोट्स में, नोट्स बनाने जैसी है जिसकी, उसको स्टार मार्क बाजू में कर देती हूँ. अभी भी मैं करूंगी जो भी न्यूज लिखने लायक होगी उसको. तो
वो लिखने वाली न्यूज को आपको स्टार मार्क करूंगी, आपको नोट्स बनाना भी स्टार्ट करना है, आपको काफी हेल्प होगा। ये एक भी चीज मैं बताना चाहती थी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज पहली चीज क्या है, देखिए गाइस, ऑपोजिशन रिजेक्ट्स वेंकैया'स ट्रूथ ऑफर टू डिस्कस फार्मर प्रोटेस्ट, पार्टी स्टैंड फर्म ऑन डिमांड टू डिबेट पीवीसी स्नूपिंग फॉर इश्यू फर्स्ट। तो बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा मच रहा है। क्या है ये, किस बारे में न्यूज़ है, समझाती हूँ आपको। तो ये राज्यसभा के बारे में, वेंकैया नायडू हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑलवेज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही हेड्स द राज्यसभा, राइट। तो ये राज्यसभा में कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एडजर्न कर दिया जाता है लाइक विदाउट पासिंग एनी बिल्स एंड ऑल, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था। ऑपोजिशन बहुत प्रोटेस्ट कर रही है दो मामलों पे, एक तो फार्मर्स के रिगार्डिंग, फार्मर बिल, फार्मर्स के जो लॉज लाए हैं गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग कुछ किया जाए, एंड पीगसिस वाले इश्यू पे कुछ किया जाए। नाउ वेंकैया नायडू ने एक अच्छी ऑफर दी थी ऑपोजिशन को कि शांति बनाए रखने के लिए, कि पहले हम लोग चलो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा में, फिर सेकेंड हम पीगसिस वाला इश्यू उठाएंगे। तो भी अभी ऑपोजिशन पार्टीज मना कर रही है, नहीं वो लोग बोल रहे हैं कि हम ये ऑफर को रिजेक्ट करते हैं, हमें तो पहले डिबेट करना है पीगेसस इश्यू के बारे में, पहले ये पार्टी ये सारी पार्टीज फर्म है इस बात पे कि हमें पहले पीगेसस वाला इश्यू डिस्कस करना है, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट वाला भी करेंगे, एंड बेसिकली हम काम नहीं करने देंगे, ये ऑपोजिशन पार्टीज ने बता दिया है, हम कुछ लॉ नहीं पास करने देंगे, हम कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं, बट ये सारी बातें करनी है। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, पीगेसस वाला और फार्मर्स इश्यू, बट वो उनको पहले सॉल्व करना है ऑपोजिशन पार्टीज को। तो उन्होंने वेंकैया नायडू का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, एक बार सिर्फ रीड कर लो इसको, क्या स्टेटमेंट ऑपोजिशन पार्टीज ने दिए हैं। बट आई वुड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ कि हमारी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, बट ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है, तो लिखना विखना नहीं है ये वाली न्यूज को, ठीक है। अच्छा, ये वाली न्यूज काम की है, बट ये हम पेज 8 पे कंटिन्यूएशन इसका पढ़ेंगे और वहां लिखेंगे, ठीक है। तो इधर अभी सिर्फ ध्यान में रखो कि राज्यसभा में कल सिर्फ 1 घंटे में 3 बिल्स पास कर दिए, ओके। तो ये बिल्स पास करना मतलब राज्यसभा और लोकसभा में बिल्स एक बार पास होते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया तो फिर वो लॉ बन जाते हैं। तो राज्यसभा ने 1 घंटे में कल 3 बिल पास किए, कौन से दिन 3 बिल पास किए, हम लोग पेज 8 पे कंटिन्यूएशन उसका पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अनदर वंडरफुल न्यूज हम लोग के इंडिया के लिए ये है कि दहिया स्टॉर्म्स इट टू फाइनल, इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल। तो फाइनल्स में आ चुके हैं, कल किर्गिस्तान के बॉक्सर को हरा के बेसिकली दैया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है, मतलब सिल्वर मेडल तो पक्का है, हारेंगे तो भी सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया, एंड जीतेंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये है अभी, सो बेसिकली रवि दैया इंडिया से, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 56.7 kg सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सैनियेव को हरा दिया है, एंड फाइनल्स में आ चुके हैं। अभी फाइनल्स में आए हैं तो या तो सिल्वर मेडल मिलेगा या गोल्ड मेडल, बट एक मेडल और पक्का हो गया। एंड बॉक्सर लोवलीना ने ब्रॉन्ज के लिए लाइक सेटल कर दिया है विमेन्स वेल्टर वेट के अंडर, कैटेगरी के अंडर। तो लोवलीना को बेसिकली ब्रॉन्ज मिल चुका है, ये बात उनकी स्टोरी अभी खत्म हो चुकी है। तो ये दोनों न्यूज आपको लिखनी है, दोनों नहीं सॉरी, ये वाली ही, लोवलीना वाली ही लिखी है, सिर्फ ब्रॉन्ज वाली। अभी मिस्टर दहिया का तो देखेंगे हम लोग, वो जीतते तो गोल्ड मिल रहा है या हार रहे तो सिल्वर मिल रहा है, वो देखा जाएगा तभी वो न्यूज हम लिखेंगे, नॉट नाउ। तो ये न्यूज ध्यान में रखनी है गाइज, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज, सीजेआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिक्यूजेस हिमसेल्फ फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना केस, ओके। तो खुद वो आंध्रा और तेलंगाना दोनों जगह से सर्व कर चुके हैं एज अ जज, ओके, एंड वो वहां प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा वाटर का जो इश्यू चल रहा है उससे। तो क्या एग्जैक्टली हुआ मैं समझाती हूँ पूरा अच्छे से, शांति से सुनो इसको। तो आंध्र प्रदेश ने एक केस फाइल किया है तेलंगाना के अगेंस्ट कि इलीगली कृष्णा वाटर का इश्यू, कृष्णा वाटर
पे जो आंध्र प्रदेश के सिटीजन्स का राइट है, आई मीन आंध्र प्रदेश वालों का राइट है, तो तेलंगाना अपने लोगों को इलीगली वाटर प्रोवाइड कर रही है, ये क्लेम आंध्र प्रदेश ने किया है सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करके, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा वाटर के रिगार्डिंग ये इश्यू है। सीजेआई की बेंच ने ये सुना और उन्होंने ये मैटर को, हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि ये मैटर को मीडिएशन के लिए दिया है, वो ऑफर किया है पार्टीज को कि मीडिएटर अपॉइंट करके एक आपका मैटर सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको ठीक है। तो अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो और लीगली ही केस की सुनवाई चाहते हो इन सुप्रीम कोर्ट, तो ये मैटर मैं ट्रांसफर करूंगा दूसरी बेंच को, बिकॉज मैं खुद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सर्व कर चुका हूँ, तो मैं ये केस नहीं सुनूंगा। ही रिक्यूजेस हिमसेल्फ फ्रॉम दिस केस। सो दैट्स द न्यूज। नाउ ये न्यूज से आपको क्या समझना है, इसमें काम की एक चीज है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है ना इंडिया में, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हर जज के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर जज इंडिया का फॉलो करता है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि व्हेनेवर जज इज लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन द केस, कोई भी वे में अगर वो इनडायरेक्टली भी इंटरेस्टेड है, तो ही नीड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द केस, ओके। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए सीजेआई ने खुद को विड्रॉ किया है ये केस से, कि मैं अगर आप लीगली इसको केस को सुनवाई चाहते हो तो मैं इस दूसरी बेंच को वो केस दूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। और मीडिएशन के लिए वैसे तो ऑफर किया है, अभी पार्टीज क्या बोलती है देखा जाएगा। तो दिस इज द न्यूज, एवरीबडी अंडरस्टूड, एंड एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कौन सा है, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा, ये वाला एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसके मुताबिक ये होता है, ओके। आई जस्ट राइट डाउन दैट मैगजीन, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा, मतलब व्हेनेवर जज इज इंटरेस्टेड इन द केस ही कैन नॉट हियर दैट केस, ओके। सो नो जज कैन हियर द केस इन विच ही इज इंटरेस्टेड, ऐसा मैक्सिम है, नेमो जुडेक्स मतलब लीगल प्रिंसिपल है, इन सुआ कॉजा, ये आप नोट्स बनाते टाइम लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये वाली न्यूज मैंने जितना अभी लिखा है वो, और इतना हेडलाइन, इतना आप लोगों को स्टार मार्क करके दे रही हूँ, ये लिखना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट डाउन। चलो, तो ये सारी न्यूज हमारे फ्रंट पेज से इम्पोर्टेंट थी, फ्रंट पेज की सारी हमने इम्पोर्टेंट न्यूज देख ली है। बाय द वे, काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं एडिशन कौन सा है, तो आज चेन्नई एडिशन लिया है, ओके। तो एवरी डे अलग अलग लेती हूँ, मुंबई लिया था, फिर मैंने दिल्ली लिया था, फिर हैदराबाद लिया था, आज चेन्नई एडिशन लिया है। तो चेन्नई एडिशन में ये है। नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है हम देखते हैं, ये वाला एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो प्रेशर श्रीलंका टू स्टॉप फायरिंग ऑन फिशरमैन, सीएम तमिलनाडु के सीएम ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को ये लेटर लिखा है कि श्रीलंका को प्रेशर करना चाहिए, क्योंकि आए दिन तमिलनाडु के जो फिशरमैन फिशिंग के लिए जाते हैं थोड़े सी हाई सी में भी, और वहां श्रीलंकन वाटर्स में भूल से भी घुस गए, तो उनको वापस इंडिया जाने के लिए बोलने के बजाय श्रीलंका वाले मार देते हैं, उनको फायर कर देते हैं, ये गलत हो रहा है। इसलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने एक लेटर वेनेसडे को लिखा है एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी को कि श्रीलंका को एक प्रेशर दिया जाए कि फिशरमैन पे इस तरीके से फायरिंग ना करे, उनको सिर्फ वार्निंग दे के वापस भेज दो, बट फायरिंग ना करे, मार मत दे, ठीक है। तो ये एक लेटर लिखा है, ध्यान में रखना है ये न्यूज। गौरी इज आस्किंग टेलीग्राम चैनल नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मिल जाएगा, अगर नहीं है, इनकेस वो वर्क नहीं करता है, तो आपको सर्च करना है मेरे नाम से, माई नेम इज निधि ध्रुव, निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, ये नाम से सर्च कीजिए, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। जियांसी सिंह साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट है, पीसीबी, ओके। तो साइंस स्टूडेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे आपको प्रिपेयर करने में, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कुछ के साइंस स्टूडेंट को ना आए, क्लैट प्रिपरेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फन फैक्ट, दया वॉज बिटन बाय द ओपोनेंट 2 टाइम्स ड्यूरिंग द मैच, दैट्स राइट, दैट्स राइट श्रियांश, ओके। चलो तो हम लोग आगे न्यूज देखते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। और हम लोग ये न्यूज पे आ चुके हैं, साउथ में केरला हाईकोर्ट एक्सपांड्स द डेफिनेशन ऑफ रेप, ठीक है। ऑफकोर्स लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये काम लगेगा, ये वाला पार्ट,
लीगल रीजनिंग सेक्शन में दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. ओके, सो केरला हाई कोर्ट एक्सपांड्स डेफिनेशन ऑफ रेप. तो एक केस था उसमें केरला हाई कोर्ट ने ये डेफिनेशन ऑफ रेप जो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड में दिया गया है उसको एक्सपांड किया है. ये पूरी न्यूज लिखनी है गाइज, स्टार मार्क कर रही हूँ और मैंने जितना हाईलाइट किया है ना वो सब आपको लिखना चाहिए. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ रेप विच इज कंटेन्ड इन द सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसके अंदर रेप में और एक चीज इंक्लूड किया है दैट सेक्सुअल असॉल्ट्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्ट्स कमिटेड बिटवीन थाइज ऑफ द विक्टिम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रेप. ओके, तो नॉट नेसेसरी इधर बोला गया है कि पेनाइल प्रेनिट्रेशन होना चाहिए, नॉट नेसेसरी इन टू वजाइना यूथेरा और एनस और माउथ, ये जरूरी नहीं है. ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी पेनिट्रेशन की जगह है और वो लोग अगर पेनिट्रेट करने की ट्राई करते हैं विदाउट कंसेंट एंड अगेंस्ट विल ऑफ द वेमेन ऑफकोर्स, तो इससे ऐसे सेक्सुअल असोल्ट को भी बिटवीन थाइज अगर हो रहा है तो इसको भी माना जाएगा रेप. ये चीज इंक्लूड किया है तो ये काम का चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को लिखना है. ठीक है, फिर हमें बताया कर्नाटका में नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, तो काफी ऑफकोर्स कैबिनेट फिर रिशफल हुआ है तो नए 29 मिनिस्टर्स को इंडक्ट किया गया है कर्नाटका कैबिनेट में. सो 29 मिनिस्टर टोटल है कर्नाटका के कैबिनेट में, जैसे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली पूरा रिशफल हुआ है इधर. तो येदुरप्पा जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, उनके सन डीवाई विजेंद्र को एक भी जगह नहीं दी गई है कैबिनेट में. टोटल 29 मिनिस्टर का कैबिनेट फॉर्म किया है कर्नाटका में. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल ऑफिस तो लिखेंगे नहीं. ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज कौन सा है, तो हम आ चुके हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे. अच्छा, आज मैं थोड़ा एडिटोरियल के बारे में अच्छे से बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आज के मेरी क्लास में है. तो एडिटोरियल गाइस क्या होता है समझाती हूँ, ये पेज सुपर इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट है समझा रही हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड की ये जो दो छोटी कॉलम्स आपको दिख रही है ना, इसे एडिटोरियल बोलते हैं. एडिटोरियल मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर खुद अपना ओपिनियन देते हैं, कमेंट्स लिखते हैं अबाउट द ऑन गोइंग इश्यूज जो भी है, या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सी है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट लिख के आते हैं एडिटर. ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लैट वगैरह में पैसेजेस भी इसमें से ही पूछ सकते हैं. ठीक है, देन राइट हैंड साइड पे रिनाउंड ऑथर्स अपने आर्टिकल्स लिखते हैं अबाउट ऑन गोइंग इश्यूज, अगेन अपनी कमेंट्स अपने ओपिनियंस लिखते हैं. लीड सेक्शन नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा करके इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता है. लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा तो ही मैं करवाती हूँ, अगर आपकी लॉ एंट्रेंस में काम का नहीं होगा तो मैं नहीं करवाऊंगी. तो जैसे रिनाउंड ऑथर्स में बात करी, देखिए ये वेंकैया नायडू ने ये आर्टिकल लिखा है, बट ये एग्जाम के लिए आज बिल्कुल भी काम का नहीं. आप हेडिंग ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी विल स्किप इट. अगेन ये टैक्स के बारे में है, ये भी हम स्किप करेंगे, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. एडिटोरियल में ये वाला चीज जो है ना, आसाम मिजोरम के बारे में है, जिसके बारे में हमने 2 दिन पहले ही एक एडिटोरियल पढ़ा था और आज के एडिटोरियल मैंने पूरा पढ़ डाला है. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टाइप्स, तो हम लोग इसे स्किप करेंगे. मतलब इतना कुछ मैटर कंटेंट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में काम लगेगा. हमने 2 दिन पहले जो पढ़ा था वो प्रॉपर था, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, स्किप करेंगे. तो आज सिर्फ ये एक हमें एडिटोरियल पढ़ना है जो आप लोग को मेरे साथ साथ देखते जाना है. मैं अंडरलाइनिंग भी करूंगी, मैंने जूम कर लिया है. अभी हम लोग ये एडिटोरियल को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. अगर सभी को एडिटोरियल अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है, यस मैम एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आया. एंड कुछ ना समझे तो भी आप पूछ सकते हो. एंड अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन हिट कर देना, एंड सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, सो अच्छे से एक लाइन टू लाइन पूरा एडिटोरियल समझते हैं क्या है. तो टाइगरीज वूज, इथोपिया की बात चल रही है ये. इथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने एक वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट किया था अगेंस्ट द टाइगरीज ओवर देयर. ओके, उसका क्या पूरा हिस्ट्री है मैं अच्छे से समझाती हूँ, डोंट वरी. ओके, इथोपिया शुड एंड द ब्लॉकेड ऑफ द नॉर्थ एंड एंगेज इन टॉक्स विद द TPLF. TPLF मतलब टाइगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, वहाँ एक
एक एक ग्रुप है जो प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो है, तो उनके साथ टॉक्स करनी चाहिए. एंड नॉर्थ में जो ब्लॉकेड उन्होंने लगाया है इथोपिया गवर्नमेंट ने, वो हटाना चाहिए. ये एक शॉर्ट में ओपिनियन है एडिटर का. ओके आगे पूरा समझते हैं उसमें भी क्या ओपिनियन है, एडिटर का समझ में आएगा. तो क्या हुआ था इसमें इथोपिया में, ये मैं समझा रही हूँ अभी. व्हेन इथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद सेंट ट्रूप्स टू टाइगरी द कंट्रीज नॉर्दर्न मोस्ट रीजन इन नवंबर 2020, ही मिस्ड इट, ही प्रॉमिस्ड इट वुड बी अ शॉर्ट कैंपेन अगेंस्ट द टीपीएलएफ. तो इथोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में टाइगरी एरिया में ट्रूप्स भेजे थे प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने नवंबर 2020 में. तभी बोला गया था कि एक शॉर्ट कैंपेन है, टीपीएलएफ जो ग्रुप है, टाइगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, तो उनके अगेंस्ट हम एक शॉर्ट कैंपेन कर रहे हैं, दैट्स इट. बट ऑलमोस्ट कुछ महीनों तक, बहुत सारे महीनों तक ये वॉर लाइक सिचुएशन हो गया बिटवीन गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड टीपीएलएफ. 7 months लेटर, 7 महीनों तक ऑलमोस्ट ये लड़ाई चली. उसके बाद यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया. यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, वो लोग ने अग्री नहीं किया था टाइगरीज ने, टीपीएलएफ ने, बट सीज फायर अपनी साइड से कि हम अभी नहीं करेंगे, ऐसा इथोपियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया. एक तरीके से मिस्टर एबी अहमद ने तभी डिफीट एक्सेप्ट किया. गवर्नमेंट ट्रूप्स आर नाउ फेसिंग सीरियस एलिगेशन ऑफ वॉर क्राइम्स. गवर्नमेंट ट्रूप्स को के अगेंस्ट एलिगेशन है कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किया है, क्योंकि इतनी सारी बॉडीज सुडान के पास रिवर में पाई गई थी इथोपिया के बॉर्डर पे, के बहुत लोग मारे गए बेसिकली इसमें. फेडरल ट्रूप्स हैड इनिशियली ऑस्टेड द टीपीएलए फ्रॉम मैकिल. अभी हिस्ट्री समझा रही हूँ कि क्या हुआ था वहां पे. तो जो फेडरल ट्रूप्स मतलब गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे, उन्होंने टीपीएलएफ के ग्रुप के जो ट्रूप्स थे उनको मैकिल, उनका जो टाइगेरियन कैपिटल था, वहां से निकाल फेंका था. ओके एंड एस्टैब्लिश्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट. और उन्होंने फिर टीपीएलएफ ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है. बट टीपीएलएफ रिट्रीटेड टू द माउंट, सॉरी मतलब गवर्नमेंट, फेडरल ट्रूप्स ने फिर अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी. बट टीपीएलएफ ने रिट्रीट किया टू द माउंटेन्स एंड फिर वो लोगों ने स्ट्राइक बैक किया. ओके इन जून, ये जून 2021 में ही रिकैप्चर्ड मैकिल टीपीएलएफ ने, मैकिल जहां से उनको निकाल फेंका था वहां वापस उन्होंने वो कैप्चर कर लिया है, फोर्सिंग द फेडरल ट्रूप्स टू पुल बैक. और फेडरल ट्रूप्स को वहां से निकालने की ट्राई कर रहे हैं. एटलीस्ट इन डिफीट मिस्टर एबी कुड हैव एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड सॉर्ट द सेटलमेंट. ये 7 महीनों के बाद मिस्टर एबी अहमद को अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करके सेटलमेंट के लिए बोलना चाहिए था, तो कंट्री में थोड़ा सिचुएशन सेटल होता. बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, उल्टा एक ब्लॉकेड टाइगरी एरिया में टीपीएलएफ के लिए ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया कि वहां वो लोग नहीं जा सकते हैं. इवन दो इंटरनेशनल एड और जो हेल्प डिलीवर हो रही थी वो स्टॉप हो गई इथोपिया को, फिर भी एबी अहमद ने ये स्टेप लिया. यूनाइटेड नेशन सेज एटलीस्ट 3,50,000 पीपल आर फेसिंग अ सीवियर ब्लड क्राइसिस, सॉरी फूड क्राइसिस, आई एम सॉरी, फूड क्राइसिस ओवर देयर. 3.5 लाख लोग वहां पे, जहां इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, वहां 3.5 लाख लोग सीवियर फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का ये बोलना है. और इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल हेल्प भी बंद करवा दिया था इथोपिया को, ठीक है. टीपीएलएफ सेज इट विल नॉट स्टॉप फाइटिंग अनलेस द गवर्नमेंट लिफ्ट द ब्लॉकेड एंड पुल्स बैक द ऑपोजिंग ट्रूप्स. तो टीपीएलएफ का बोलना है जब तक गवर्नमेंट अपने ट्रूप्स नहीं निकाल देती और ब्लॉकेट नहीं निकाल देती, हम फाइट करना कंटिन्यू करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑलरेडी स्पिल्ड ओवर इनटू द अमाहरा एंड अफार रीजन्स. लाइक ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूर दूर तक बहुत इम्पैक्ट आया है. ओके थ्रेटनिंग द वेरी रीजनल मेकअप ऑफ एथनिकली डिवाइडेड इथोपिया. तो इथोपिया बहुत एथनिक प्लेस थी, लाइक ट्रेडिशनल प्लेस थी, तो वो पूरा बर्बाद हो गया है वहां पे, ठीक है. एंड एन इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हैज रेज टेंशन विद नेबरिंग सुदान. और इतने सारे रेफ्यूजीज लोग इथोपिया से भाग के सुदान में शेल्टर ले रहे हैं, तो सुदान में भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आ गए हैं, और वो चीज से दिख रहा है कि इथोपिया में कितना टेंशन है, ठीक है. मिस्टर एबी एक खुद नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं. ही वेंट टू वॉर इन टाइगरी एज पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस प्लान टू री राइट द कंट्रीज पावर बैलेंस. तो उनको कंट्री का पावर बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने टाइगरी एरिया में टीपीएलएफ पे अटैक किया बेसिकली. बट ये गलत मूव था. कैसे गलत मूव था ये एडिटर बता रहे हैं हमें.
Since Ethiopia embraced democracy in 1995, the TPLF, which led to resistance against the military dictatorship, the Derg had played a key role in ruling coalition with the Ethiopian People's Revolution and Democratic Front. तो बेसिकली क्या था, जब भी 1995 में एक रिवॉल्ट करके, एक प्रोटेस्ट करके मिलिट्री रूल खत्म किया इथोपिया में, 1995 से डेमोक्रेसी लाने में भी टीपीएलएफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है, एंड वो भी ईपीआरडीएफ, ये पार्टी का एक बड़ा पार्ट थे टीपीएलएफ वाले, ठीक है, इथोपियंस पीपल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट. मिस्टर एबी Ahmed and Oromo rose to power in 2018 amid growing ethnic tensions and protests as the EPRDF's nominee. So, यही पार्टी EPRDF जिसमें टाइग्रीज का भी, TPLF वालों का भी रोल था, ओके, और उन्होंने डेमोक्रेसी लाने में भी हेल्प किया है. मिस्टर Abiy Ahmed जब भी 2018 में एथनिक टेंशन थे तब भी वो पावर में आए एज अ नॉमिनी ऑफ EPRDF, ओके, एंड ही एंडेड द वॉर विद एरिट्री, released political prisoners and promised more freedoms. But he also moved to end the TPLF's clout in Addis Ababa, okay, which led to a split in the EPRDF. तो क्या हुआ था वहाँ पे, तो एक वॉर चल रहा था एरिट्रिया के साथ, वो एंड किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा, बट फिर वो टीपीएलएफ के पीछे लग गए मिस्टर Abiy Ahmed. वहाँ पे एडिस अबाबा में भी उनका जो मूव था उसको एंड करने की ट्राई की, और इसकी ही वजह से ईपीआरडीएफ में दो पार्टीशन हो गए, स्प्लिट हो गया, मिस्टर Abiy Ahmed के सपोर्टर्स एक साइड और टीपीएलएफ वाले सपोर्टर एक साइड हो गए, ठीक है. फिर उन्होंने, Abiy Ahmed ने एक अलग कोलिजन बनाया, खुद का प्रॉस्पेरिटी पार्टी बनाया, एंड उन्होंने अपने पास पावर रिटेन किया बाय कटिंग द टीपीएलएफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नेटवर्क्स, और फेडरल गवर्नमेंट के नेटवर्क से बिल्कुल भी टीपीएलएफ को कट डाउन किया, इसीलिए इतना गुस्सा है टीपीएलएफ को. सो इसीलिए डिफाइंट टीपीएलएफ, मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आने वाला है, उन्होंने चैलेंज किया गवर्नमेंट को. ही डिक्लेयर वॉर ऑन टाइग्री and he may have hoped that the federal troops could oust the TPLF from power and established order quickly. Mr. Abiy Ahmed ko laga hoga ki TPLF ko hum aram se federal troops wale nikal fekenge aur aram se hum log order mein, discipline mein cheeze la lenge, isliye unhone bola tha ki short campaign hai, but aisa nahi hua, TPLF ne bahut tagda fight udhar diya. But he seemed to have overlooked Ethiopia's complex history of ethnic relation and TPLF's guerrilla warfare. But Mr. Abiy Ahmed ne skip kiya ke Ethiopia kitna ethnic place hai. And guerrilla warfare mein, matlab military rule khatam karne mein TPLF ka kya role tha? Ye unhone ignore kiya. Iske wajah se ye problem sari abhi Ethiopia mein chal rahi hai. The war may have helped him politically. क्योंकि उनका जो कॉलिजन पार्टी था जून में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीता, ठीक है, तो इससे वॉर से उनको पॉलिटिकली हेल्प हुआ, बट कंट्री में लोग 3.5 लोग भूख मरे से मर रहे हैं, ये सारी चीज है, बट इट हैव पुश्ड टाइगरी इनटू एन एंडलेस रिबेलियन एंड शेक अप द कंट्रीज एथनिक बैलेंस. और बट उन्होंने जो किया उसके वजह से टाइगरी में के लोग रिबेलियन हो गए टीपीएलएफ वाले, एंड इससे पूरे कंट्री का एथनिक बैलेंस बिगड़ गया. नाउ एडिटर का ओपिनियन ये है कि इट इज टाइम फॉर मिस्टर Abiy टू एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन, मतलब एक प्रॉपर रूलर के तौर पे नहीं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के स्टेट्समैन के जैसे वर्क करना जरूरी है. शुड स्टॉप द कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ टाइगेरियन पीपल एंड द ब्लॉकेड एंड बी रेडी फॉर टॉक्स विद टीपीएलएफ फॉर अ म्यूचुअली अग्रीएबल सेशन ऑफ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज. तो ये अभी सब कुछ एंड हो सिचुएशन, इसके लिए जरूरी है कि ब्लॉकेड हटा दो, अच्छे से बात नेगोशिएशन करो टीपीएलएफ वाले के साथ, एंड जो भी कलेक्टिव पनिशमेंट टाइगेरियन पीपल को दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए मिस्टर Abiy Ahmed को. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इथियोपिया. मैंने पूरा लाइन टू लाइन बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है पूरा आर्टिकल. आई होप आप सबको समझ में आया. अगर समझ में आया तो बोलो यस मैम समझ में आ गया है, ओके. कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, एंड जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए गाइज अगर अच्छे से समझ में आया. आगे कौन से और इम्पोर्टेंट न्यूज है ये हम देखते हैं. तो ये वाली है ना न्यूज, तो ये इथोपिया वाला है ना, लिखना नहीं था, सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान में रखना है. ये सिर्फ ध्यान में रखिए, पूरा मत लिखिएगा वो वाला आर्टिकल. ये आर्टिकल गाइज लिखना है, मैंने जितना हाईलाइट किया ना लिखना है, क्यों समझाती हूँ. तो कल लोकसभा में हमने पढ़ा था एक बिल पास किया गया, अभी भी राज्यसभा में वो बिल पास होना बाकी है गाइस, और प्रेसिडेंट का कंसेंट भी बाकी है, एक बार हो जाएगा तो लॉ बन जाएगा. तो लोकसभा में एक बिल पास किया गया, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल.
और उसमें एक चीज डाला गया है कि एसेंशियल वर्कर्स जो है ना, जो डिफेंस के लिए वेपन्स वगैरह बनाते हैं उस वैसी फैक्ट्रीज में, वैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व है, तो उनको कभी भी स्ट्राइक्स करना अलाउड नहीं है, इलीगली उनका स्ट्राइक कंसिडर होगा, ये चीज ये लॉ में डाली गई है, ठीक है। खास करके एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल कल पास हुआ लोकसभा में, उसमें ये डाली गई है। जैसे मैंने बताया अभी भी राज्यसभा में पास करना बाकी है, प्रेसिडेंट का कंसेंट बाकी है, बट ये बिल में क्या चीज है, क्यों ये बिल पास किया गया ऐसा वाला, उसके बारे में बात है। और एसेंशियल वर्कर्स जो डिफेंस सिस्टम के लिए जो वर्क करती है वैसी फैक्ट्रीज में है, उनको स्ट्राइक कभी नहीं करना है। और इसके लिए मैंने पूरा हाईलाइट किया है कौन से केस लॉज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ ये आपको आज मैं होमवर्क में दे रही हूँ, रीड करना है आपको पूरा अच्छे से, ठीक है। ये लॉ बनने जा रहा है, बना नहीं है अभी तक, ये बनने जा रहा है, बट होमवर्क में पूरा पढ़ना है, मैंने अच्छे से हाईलाइट करके आपके लिए रखा है, ठीक है। सब लोग को पढ़ना है ये, ध्यान में रखना। चलो मैं कमेंट एक मिनट देख लेती हूँ। ओ आयुषी बर्थडे इट इज, आयुषी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल माई बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स आर विथ यू, एंड आप क्लैट क्रैक कर लोगे और रैंक भी लेके आओगे टॉप 100 में, ये मेरा ब्लेसिंग है। अनामिका, सब लोग अभी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, ओके ठीक है, वेरी गुड, तो बहुत सारी विशेज मिल गए आयुषी आपको। शिनवी सिंह बहुत लेट हो गए, यस बेटा काफी लेट हो गया आज। सिद्धि सिंह मैम 23 के लिए कौन से मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं? सिद्धि बेटा फ्रेंकली स्पीकिंग 2023 एस्पिरेंट्स को अभी थोड़ा करंट अफेयर्स एक बैकग्राउंड लेना स्टार्ट करना है, तो रोज थोड़ा इतना 45 मिनट सेशन देख लो बहुत हो जाएगा, पर आप लोग को एक्चुअल करंट अफेयर्स नोट्स वगैरह भी नहीं बनाना है, आपको मई 2022 से लेके मई 2023 के करंट अफेयर्स का मतलब याद रखने हैं और लिखने हैं, ये अभी सिर्फ आप लोग एक बेस बनाने के लिए पढ़िए, ठीक है। श्वेता ऐसा है कि मैम आप पीछे कुछ लाइंस नहीं दिख रहे हैं, पीछे के लाइंस नहीं दिख रहे थे, मैं शेयर कर लूंगी बेटा न्यूज़पेपर तभी देख लेना, ठीक है। प्रिय दर्शनी वेलकम, ओके व्हाट इज टीपीएलएफ, उधर बताया मैंने विच कंट्री, इथोपिया इट वॉज। मैम 23 के लिए कौन से मंथ के, ओके 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 पूरा लिखा समझ गया मैम पूरा, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एडिटोरियल इथोपिया वाला पूरा नहीं लिखना था। खुशी सिंह यस मैम यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच खुशी। मैम 23 के लिए कौन से मंथ के करंट अफेयर्स है, बट अभी भी मैं देख रही हूँ सभी लोगों ने लाइक नहीं बटन हिट किया है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, ठीक ठीक है। रेना सिंह यस मैम समझ में आया, प्रियदर्शनी सिंह यस मैम लाजवाब है, थैंक यू प्रियदर्शनी। डब्ल्यू कैसा हो गया? हाँ अभी बेटा ये इधर जगह नहीं है डब्ल्यू बराबर से लिखने की, ठीक है। चलो तो सभी लोग लाइक बटन जरूर हिट कीजिए बिना भूले, इससे मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी। दूसरे कॉन्सेप्ट, ये याद से सबको पढ़ना है होमवर्क वाला, ठीक है, 5 मिनट लगेगा सिर्फ पढ़ने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ट्रिपल ट्विटर वायलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये एलिगेशन लगाया है जो मैन्युपुलेटेड मीडिया वाले हैशटैग लगा रहे थे ट्विटर पे बीजेपी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑनगोइंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इसमें ट्विटर ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट किया है, गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है, इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, नॉट पासिंग डिटेल, ये वाली न्यूज ध्यान में रखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ना PIL एक लिटिगेंट है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई बंदा आगे आके एक लिटिगेशन स्टार्ट करता है, केस स्टार्ट करता है, खुद के फायदे के लिए नहीं, पब्लिक एट अ लार्ज के फायदे के लिए। तो वैसे लिटिगेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पहले 3.9 करोड़ आप डिपॉजिट कीजिए एज ए सिक्योरिटी, फिर हम ये केस सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत हार्श ऑर्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को बोला है कि विदाउट एनी डिपॉजिट ये आप पिटिशन सुनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट कैन कंट्रोल हाई कोर्ट अगर वो लोग गलत कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। देन धनबाद जज के, धनबाद के सेशंस कोर्ट के जज, एडिशनल सेशन कोर्ट जज को का डेथ हो गया, उनको मार दिया गया, हमने देखा था उनकी, उसमें CBI ने प्रोब करना स्टार्ट कर दिया है गाइस, ये ध्यान में रखिए, CBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, तो तालिबान क्लेम कर रहा है, ये लिखना है गाइस, तालिबान नहीं सॉरी ये मत लिखिए, जरूरी नहीं है, ओके। तालिबान क्लेम अटैक ऑन अफगान मिनिस्टर, तालिबान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के एक गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को
अटैक कर लिया है, ठीक है, तो तालिबान ने क्लेम किया है ये, उसकी जल्दी न्यूज आएगी मिनिस्ट्री के पास से भी। एंड ग्रुप कॉल्स इट बिगनिंग, तालिबान बोल रहा है कि इसे बिगनिंग है रिटालिएटरी अटैक का, क्योंकि गवर्नमेंट पर्सोनल ने जो हमें हमारे ऊपर रिसेंट एयर स्ट्राइक्स की है उसका जवाब देने की तो ये सिर्फ शुरुआत है, हम लोग और भी आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। अब तालिबान ने ये एक खुला वार्निंग दे दिया है, आप खुद भी देख सकते हो, ये देख सकते हो पिक्चर, क्या हालत है अफगानिस्तान में, क्या क्या हालत है, आप जस्ट देखिए। तो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग, टूटे हुए बिल्डिंग, कोई सिविलियंस इतने मारे जा रहे हैं, इट्स बैड। यूएनएससी से भी एक स्टेटमेंट आया, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका प्रेसिडेंटशिप ये महीने के लिए अगस्त में इंडिया संभाल रहा है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान में ये इस्लामिक एमिरेट हम नहीं बनने देंगे, इससे वायलेंस जो हो रहा है ये ठीक चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वन, कल हमने न्यूज़ में देखा था कि न्यूयॉर्क के गवर्नर सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व थे, 11 विमेन को उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। तो मिस्टर बिडेन, जॉय बिडेन ने उनको बोला है कि आप रिजाइन करो, तो बिडेन ने ही, प्रेसिडेंट ने ही ऑर्डर दे दिया है कि आपको रिजाइन करना चाहिए, तो ये चीज हो रही है, ठीक है। एंड बिजनेस न्यूज में आज कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और स्पोर्ट्स न्यूज का तो जो इम्पोर्टेंट मिस्टर दहिया का जो न्यूज था वो तो हमने फ्रंट पेज पे ही कर लिया है, तो ऑलमोस्ट सारी न्यूज आज की मैंने कवर कर ली है गाइस। आई होप आप लोग सबको समझ में आया, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज वंडरफुल सेशंस, एंड लाइक भी कर लीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल जाए। एंड वी आर डन फॉर द डे, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल क्लास याद रखिए मेरी करंट अफेयर्स की क्विज वाली, जिसमें मैं रोज 5-5 दिन के करंट अफेयर्स का क्विज करवाती हूँ, ये शाम को 8:30 बजे है, 8:30 से 9:30, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आई बी वेटिंग फॉर यू इन माई स्पेशल क्लास, बाय एवरी वन, थैंक यू सो मच।